मेरी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। मेरी पास वाली डाल पर बैठा ये धोखेबाज लड़का भी, लेकिन इससे पहले वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। नहीं नहीं, ये मेरा क्लोज फ्रेंड कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सीधी साधी लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। ये दोनों यहाँ कुदरती सुंदरता एंजॉय करने नहीं आए हैं, ये दोनों तो यहाँ अचानक फंस गए हैं। अब ये नहीं जानते कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? सर क्लास वहां पर। ओके थैंक यू। नंबोदरी, योर योगा टीचर। बैठिए बैठिए। नमस्कार, बैठो। परमेश्वर सर है ना आप? सतारा में रहते थे आप? अरे अचानक आपको देखकर मैंने पहचाना नहीं। नारायण सर, आपका यहाँ कब ट्रांसफर हुआ? मुझे यहाँ ट्रांसफर हुए 2 महीने हो गए। इस बीच सब भूल गए? आप यहाँ कैसे? एक लोन लिया था मैंने, 4 महीने से उसका किस्त नहीं भरा, उसी की जानकारी लेने आया था। परमेश्वर सर है ना आप? नहीं, मेरे बेटे के नाम पर। इसे पहचानते हैं नारायण सर? ये मेरा बेटा है किरण। अरे तुमने पहचाना नारायण सर को? अपने श्रीधर के घर पहले किराए पर रहते थे। अंकल को मैं पहले से जानता हूँ। दरअसल अंकल की बेटी नित्या योगा सेंटर में टीचर है, और सेंटर में मैंने 2-3 बार तो अंकल को देखा ही है। नित्या नंबूदरी है ना? मैं जानता हूँ। एक बेटी है ना आपकी? हाँ। नारायण सर की बेटी को नहीं जानते तुम? तुम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। तुम इस बस में नहीं जाओगी, चलो। पापा पापा पापा, ये देखो ना। क्या बेटी, क्या ये? हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हें कहाँ से मिला? अरे किट्टू ने दिया है। हाँ? वो मोटा, उससे कुछ भी लेना नहीं, मैंने कितनी बार मना किया। तुम एक लड़की हो, अरे कब बताओ, तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसे जब दिया तब तुम्हें सोचना चाहिए, आइंदा दूसरी चीज लिया तो मार दूंगा तुम्हें। आप बच्ची को डांट क्यों रहे हो? आप पागल हो गए हो? अरे ये बड़ी हो गई है, इसे समझना चाहिए। पहले तो आपको बच्ची के सामने दारू नहीं पीनी चाहिए, और ऊपर से आप बच्ची को डांट रहे हो। बेटी, बेवजह बच्ची को रुला दिया, आपको हुआ क्या है? अंकल, अरे बाप रे, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं पुरानी बातों में खो गया था। छोड़िए, आपने कहा था कुछ लोन की परेशानी है। एजुकेशन लोन,
किरण के नाम पर है। बेटे की पढ़ाई पूरी करके 1.5 साल हो गए और थोड़े से पेपर्स बाकी हैं। अच्छा, किरण पीएस, 4 महीने की ईएमआई बाकी है, एक भी किस्त नहीं भरी। हाँ, एक नौकरी मिलने के बाद वो लोन चुकाएंगे मैंने सोचा था। हाँ। लेकिन बीटेक पास किए बिना नौकरी कहाँ मिलेगी? क्यों किरण, कब तक पेपर खत्म होगा? क्या हो गया तुम्हें? वो क्या उससे है, क्या फायदा होगा? पैसे तो मैंने पहले ही पूरा भर दिया है। क्यों किरण, क्यों अपने बूढ़े बाप को तुम परेशान कर रहे हो? है, पढ़ाई की उम्र में पढ़ना चाहिए था। जिसको सलाह दो पढ़ता नहीं, इसीलिए चुप नहीं रह सकते ना। जितनी जल्दी हो सके पेपर लिखो, बाद में एक नौकरी ढूंढो और यहाँ की परेशानी दूर करो। लेकिन सर जी, तब तक बैंक इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके बैंक को थोड़ा अमाउंट भर दो, आगे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अब हम निकलते हैं। चाय में पी लेते? अरे तो नहीं, घर से पी कर आए हैं। ओ, अब चलते हैं। ठीक है। अब अंकल, नित्या सेंटर में योगा बहुत अच्छा सिखाती है। क्या? अब नित्या का नंबर मिल सकता है क्या? अब नहीं, ठीक है, ओके। नंबर चाहिए इसको? अब ये कहां चली गई? नित्या, ओह माय गॉड, इसका पीछा करता हूं। हुआ नहीं है, ये तो बेहोश हो गया है। तुम गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। अरे जल्दी जाओ यहाँ से। क्यों? जरा हटकर खड़ी रहो ना। तुम वहां मंदिर के पास जाकर खड़ी रहो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। कैसे स्टार्ट हो गया ये? अरे वो देखो, अरे किसी को ठोक दिया है। चलो चलकर पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? कहाँ जा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, सब शांत हो जाओ। अरे पुलिस, छोड़ो, यहाँ पर आके तो पुलिस को मारो।